अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, घर के सारे कामों से फ्री होकर बस जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने ब्लॉग की भी स्टार्टिंग की हुई है और आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, क्योंकि मैं वीकली दो बार मैं सप्ताह में हेयर वॉश करती हूँ, वेडनेसडे एंड संडे। गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है ना कि दो दिन में ही बाल एकदम चिपचिप से होने लगते हैं, लेकिन आज वेडनेसडे था तो मैंने इसीलिए हेयर वॉश किया हुआ है। साथ ही साथ आज मैंने ना अपने ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर दी है, क्योंकि दो दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किए हुए थे और ना ही मैंने कोई वीडियो शूट किया हुआ था। पता नहीं अजीब सी तबीयत हो रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है इससे पहले। इस बार तो पता नहीं बॉडी में इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, खुद में इतनी उलझन होती है, इतना परेशान हो जाती हूँ मैं। कैमरा ऑन करने का मन नहीं करता है, एडिट करने का मन नहीं करता है वीडियो को, खाना बनाने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। आई थिंक इस बार ना जिसका भी सुनो कुछ ना कुछ ऐसा ही सबके साथ में हो रहा है, सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए भी, तो यहाँ पर मैं सारा सामान पहले लगा लूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों ने ये जो वैक्सीन वगैरह ली हुई थी ना, वैक्सीनेशन कराया हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इन सब चीज़ों का ही कोई ना कोई ये साइड इफेक्ट वगैरह रहते हैं ना, तो उसकी वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं पूरे 3 दिन बाद ब्लॉग को ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया हुआ था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और बस अभी बस जस्ट सावर लेके आई हूँ, पूजा करूंगी। अभी जो चल रही है ना, तो इन्होंने पूजा की हुई है तो ये पूजा करके चले गए हैं। टाइम देख लीजिए, 11:15 हो गया है। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और बस ऐसे ही मन नहीं किया मेरा कुछ भी करने का, तो मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं शूट किया हुआ था। और आज 3 दिन बाद अपना मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए मैं पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, देखती हूँ। आज काफ़ी सारे काम मेरे लिए फैले पड़े हैं, अब कहाँ से शुरू करती हूँ, कौन सा काम स्टार्ट करती हूँ, अभी तो मुझे नहीं पता है। और आप लोग मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं अपने कान्हा जी, किसी की नज़र ना लगे मेरे कान्हा जी को। और इतना प्यारा इनका मुकुट लग रहा है, इनकी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही। इस बार ये ड्रेस इनकी जो है ना, ये मैं जन्माष्टमी पर लेके आई थी, यही वाला मुकुट भी लेके आई थी। बस इसके बाद जाऊँगी मैं किचन में और बनाऊँगी खाना। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। और दीदी खड़ी हैं सामने, तो उनसे बात भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना लौकी पहले ही कद्दूकस कर ली थी, और अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखूँगी। और इधर ये देखिए, जो जो लौकी कस के रखी है ना मैंने, इसका पानी मैं निचोड़ लूँगी। पूरा पानी नहीं निचोड़ना है, जितना आसानी से हल्के हाथों से दबाने पे निकलेगा ना, उतना ही पानी इसका अलग करना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रहता है। और ये गोल वाली लौकी है, और जो लंबी वाली लौकी होती है ना उसमें पानी कम रहता है, पर ये गोल वाली लौकी में ना पानी बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे ना कोफ्ते बेकार हो जाते हैं। तो इनका पानी मैं अलग कर लूँगी और बिल्कुल पूरा पानी नहीं हटाऊँगी। ये देखिए, पानी अलग करने के बाद में इसमें मैं 3 चम्मच बेसन ऐड कर दूंगी। ज़्यादा नहीं बना रही, बस थोड़ा सा बना रही हूँ कोफ्ते, क्योंकि लास्ट टाइम पे मतलब करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे पुराने यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि लौकी के कोफ्ते बनाने के बाद से ही मुझको और मेरे बेटे को पता नहीं अचानक से क्या स्मेल वाली प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत मुश्किल से ये प्रॉब्लम ठीक हुई है। अभी यहाँ पर मैंने ना लौकी के कोफ्ते के साथ में लौकी के साथ में बेसन ऐड कर दिया है, साथ ही साथ हींग और नमक ऐड कर दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नमक मिलाया हुआ है ना, तो लौकी में थोड़ा पानी भी है, पूरा पानी मैंने नहीं निचोड़ा था, तो ये बहुत ईजिली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने ना मेरे घर में कोफ्ते नहीं बन रहे थे, क्योंकि कोफ्ते खाने के बाद से ही हम लोगों को प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी, वो लहसुन और प्याज की महक की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। उस टाइम पे काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ के बाद से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो हम लोग उसी से बैर बनाने लगते हैं। तो मेरे घर में कोई भी कोफ्ते खाना नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन अब करीब 1.5 साल हो चुके हैं ना, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ। खैर, सबको बहुत पसंद आया और बहुत अच्छे से बन भी गए। थोड़ी सी बड़ी बड़ी मैंने कोफ्ते की पकौड़ी बनाई हुई है, ज़्यादा छोटी नहीं बनाई हुई है, बस सब लोग दो दो ले लेंगे, काम खत्म। तो कोफ्ते एक तरफ अच्छे से सिक चुके हैं, अब इनको मैं दूसरी तरफ अच्छे से सेक लूँगी। ये देखिए,
और काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, एक्चुअली उस प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बाद बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा एक वो भी लग रहा था कि पता नहीं आकर्षित खाए कि ना खाए, क्योंकि आकर्षित कोफ्ते से बहुत ज़्यादा छिड़ने लगा था। लेकिन खैर जब बनाए ना तो उसको भी बहुत पसंद आए, उसने चावल तो नहीं खाए पर हाँ उसने रोटी बहुत अच्छे से खा ली थी कोफ्ते के साथ में। तो ये देखिए कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं, कोफ्ते की पकौड़ियाँ, और अब मैं फटाफट से सब्जी भी बना लूँगी कोफ्ते की। और मुझे कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बस इधर पे प्रॉब्लम जो हो गई थी ना उस वजह से कोफ्ते मैंने करीब 1.5 साल हो गए घर में नहीं बनाए हुए थे, और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मुझे कोफ्ते बनाने हैं, कोफ्ते बनाने, फाइनली आज मैंने कोफ्ते बना ही लिए और सभी लोगों को बहुत पसंद भी आए थे। और ये देखिए कितने अच्छे से एकदम बढ़िया रेड रेड गोल्डन ब्राउन एकदम पकौड़े सिक्के तैयार हुए हैं। काफ़ी लोगों को ना कोफ्ते के पकोड़े इस तरह से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझको ना जो पकोड़ी प्याज और आलू या पालक की बनाते हैं ना वो खाने में अच्छी लगती, पर कोफ्ते की पकोड़ी मुझे खाने में नहीं अच्छी लगती है, कोफ्ते की पकोड़ी मुझे सब्जी में ही अच्छी लगती है। तो पकोड़े इधर बनके हो गए हैं तैयार, अब मैं फटाफट से ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, इनको कट करके इस तरह से मिक्सी जार में डाल दूँगी, और यहाँ पर लहसुन की कलियाँ, अदरक और थोड़ी सी जावित्री और टमाटर, ये सब चीज़ें ऐड कर दूंगी, और बस इनको बढ़िया सा मैं ग्राइंड करके दरदरा सा पेस्ट बना लूंगी। मुझको ना ग्रेवी वाली सब्जियों में एकदम फाइन पेस्ट नहीं पसंद है, हल्का सा दरदरा पेस्ट मुझे पसंद आता है और उसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ी सी बड़ी इलायची के कुछ दाने लिए हुए हैं, सूखे साबुत लाल मिर्च लिए हुए हैं, और अब इनका बढ़िया सा मैं फाइन सॉरी दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। मसाला बनकर हो गया है तैयार, अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा तेल था कढ़ाई का उसको मैंने अलग कर लिया है, और सेम कढ़ाई मैंने ली हुई है जिसमें मैंने पकोड़े तले हुए थे, इसमें मैं ऐड कर दूंगी हींग, जीरा और हल्दी। जब भी कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं ना तो हल्दी हींग जीरे के बाद में ही ऐड कर दीजिए, जिससे ना बहुत ज़्यादा छींटे नहीं उठते हैं और एकदम से जो किचन की टाइल्स वगैरह चिकट जाती है ना तो ऐसे वो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमने मसाला पीस के तैयार किया था ना उसको ऐड कर देंगे, और अभी आपने देखा इसमें बहुत ज़्यादा छींटे नहीं उठ रही हैं। अगर आप तेल में हल्दी नहीं ऐड करोगे, डायरेक्ट इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दोगे ना, बहुत ज़्यादा छींटे उठती हैं जिससे गैस भी ख़राब हो जाती है और दीवार भी ख़राब हो जाती है। तो और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, और इस तरह से करने से ना सब्ज़ी के स्वाद में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है, सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी लगती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग इस तरह से अगर नहीं ट्राई किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है अभी धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर तो पहले ऐड कर दिया था, साथ ही साथ गर्म मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है कलर के लिए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो जिस मिक्सी जार में मैंने मसाले पीसे थे ना तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसको धो के इसमें डाल दूंगी, और उसके बाद में इसमें यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, और जैसी ग्रेवी अच्छे से मसाले अच्छे से सारे भुन जाएंगे, तेल छोड़ देंगे, तुरंत मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी जैसे ग्रेवी के अकॉर्डिंग। काफ़ी लोग होते हैं कोफ्ते ज़्यादा पतली ग्रेवी के खाते हैं, और काफ़ी लोग हैं उनको थोड़े से गाढ़ी ग्रेवी के पसंद हैं, पर मुझे बराबर ठीक ठीक पसंद हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए पानी भी ऐड कर दिया है, और पानी में बढ़िया सा उबाल आने देंगे, काफ़ी देर तक इसको छोड़ देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए, और अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी कोफ्ते जो हम लगभग 2 मिनट के लिए इसको गैस के हाई फ्लेम में रखेंगे, और उसके बाद हमारे कोफ्ते बनकर हो जाएंगे रेडी। और ये बन रहे हैं मेरे कोफ्ते, मैंने कोफ्ते भी ऐड कर दिए हैं, ये देखिए। हेलो, ये देखिए क्या कलर आया हुआ है। तो ये देखिए कोफ्ते बनकर हो गए हैं रेडी, अभी आपको ये थोड़े से पतली ग्रेवी के दिख रहे होंगे, लेकिन ये रखे रखे ना कोफ्ते इसकी जो ग्रेवी है ना उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। और अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी, ये देखिए, तो जो गमले ना इधर रखे हैं छज्जे के नीचे उनको मैं बारिश के पानी में कर दूँगी।
बहुत तेज वाली बारिश हो रही है बाहर, तो ये देखिए अचानक से बारिश होने लगी। सुबह से इतनी भयंकर वाली गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, इतनी उलझन हो रही थी धूप देख देख के, और अभी इतनी तेज़ बारिश होने लगी है, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, साथ में हवा भी चल रही है। इधर से ना अगर फ्रंट कमरे से बनाते हैं ना, कैमरे से वीडियो बना शूट करते हैं ना, तो बाहर का उजाला ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डार्क डार्क आने लगती वीडियो, और जब बैक कैमरे से बनाते हैं ना तब यहाँ सही बनती है। और अभी आप लोग अवॉइड कीजिएगा कि मेरी फ्रंट कैमरे से बन रही है ना तो डार्क डार्क सी है। कितनी तेज बारिश बारिश बारिश, जिसको भी हल्लू हल्लू करना है फटाफट दौड़ के आ जाओ बारिश में, कितनी जोर से बारिश होने लगी। बारिश पहले से कम हो गई है लेकिन इतनी हो रही है कि अगर हम लोग निकलेंगे ना तो बिल्कुल भीग जाएंगे। आकर्षित स्कूल में फंसे हुए हैं, इनके पापा लेने गए हुए हैं, लगभग एक घंटा हो गया है छुट्टी हुए लेकिन बारिश की वजह से बच्चे फंसे हुए हैं। चलिए आज का व्लॉग बस यहीं तक, और आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।